जहां देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं यूपी के रामपुर में भी कोरोना के केसों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। पुलिस ने रामपुर में चल रहे लॉकडाउन को लेकर और अधिक सख्ती कर दी है। आने जाने वाले लोगों को रोककर घर से बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। अकारण निकलने वालों पर सख्ती से कार्यवाही भी की जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वह बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों में ही सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि रामपुर में कुल 18 और अन्य जिले में सहित 24 कोरोना पॉजिटिव का इलाज रामपुर के सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल वार्ड में चल रहा है। आपको बताते चले कि कोरोना के बढ़ते केसों की सूचना आज खुद रामपुर के डीएम आनंदजी कुमार सिंह ने पत्रकारों को दी। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। आज रामपुर जनपद में 3 और पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें से 2 टांडा से हैं और वह व्यक्ति जो मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव होकर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिवार से हैं। एक व्यक्ति जो संविदा कर्मी है, जो डालमिया हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सस्पेक्ट्स जो कोरोना सस्पेक्ट्स हैं उनकी सर्विस में लगा हुआ था, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। जो जितने संबंधित हैं उनके यहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और उनसे जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं उन सबकी पहचान करके उनके सैंपल इकट्ठे करने की कार्यवाही चल रही है। इस बीच में हमारे 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और जो इफेक्टिव संख्या 15 रह गई थी उनमें से अब ये 3 बढ़ जाने के बाद टोटल 18 लोग अब कोरोना पॉजिटिव जो जनपद रामपुर के हैं वो बचे हुए हैं। इन 18 में से भी शुरुआती दौर में आए हुए 6 लोगों की पहली रिपीट सैंपल नेगेटिव आई है। अब इनकी दूसरी रिपीट सैंपल भेजी जा रही है, अगर वो भी नेगेटिव आती है तो इन 6 लोगों को हम डिस्चार्ज कर सकने की कंडीशन में होंगे। तो इस प्रकार टोटल हमारे यहाँ रामपुर में परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या अब 18 है और अमरोहा से 6 पॉजिटिव पेशेंट्स जौहर विश्वविद्यालय के L1 सेंटर में रखे गए हैं। तो इन सारे लोगों के साथ मिलाकर जनपद में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स रखे गए हैं उनकी संख्या 24 है। इनमें हालांकि रामपुर में परीक्षण के दौरान पाए जाने वाले लोगों की संख्या 18 ही है। जितने एहतियाती कदम हैं वो लिए जा रहे हैं और सैंपल्स की संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि टांडा ही हॉटस्पॉट बना हुआ है अभी भी मूल रूप से जनपद रामपुर का, वहाँ पे सभी एहतियाती कदम बरते जा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.